सभी भाई बहनों और दोस्तों को और सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर मैं बात किया करता हूँ आपके क्लास में भी और वैसे भी मोटिवेट करता रहता हूँ कि पढ़ाई के साथ में अगर जज्बा होता है तो सक्सेस 101% मिलती है। एक ऐसा ही एग्जांपल मैं आप सबके सामने अभी आज पेश करूँगा। तो आज मैं नेहा के घर आया हूँ, गाँव का कारोली में। तो नेहा से अभी पूछेंगे कि क्या इनको अभी नई सक्सेस मिली है, आप सबको बताएंगे, और इनकी मेहनत का जो फल है, जो सक्सेस पॉइंट रिजल्ट है, वो कैसे आया कैसे नहीं आया, वो सब बातें करेंगे। और आप सबके लिए ये होने वाला है बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो। तो पहले तो बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर बात करते हैं सर समझ में नहीं आया, तो जरूर सबसे पहले मैं पूछूंगा नेहा कि आज का जो मेन एजेंडा है जिसकी वजह से मैं आपके पास आया कि क्या सक्सेस जो आपका अभी आया है, क्या रिजल्ट आपका आया है, किस बारे में मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, ये सब बच्चों बताइए। सर, जो आपने यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, उसका एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 16 जुलाई को, उसमें मेरी थर्ड रैंक आई है जी। देखिए ये छोटी खुशी नहीं है, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि नीट ड्रॉपर जो स्टूडेंट होते हैं, जो नीट की कोचिंग ले लेके बैठे हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पेपर दिया और एंट्रेंस टेस्ट उनका भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। कम से कम 15,000 बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे और उनमें से नेहा का थर्ड रैंक आना अपने आप में छोटी बात नहीं है। तो चलिए इसी सिलसिले में आगे और क्वेश्चन पूछेंगे। नेहा, आपने प्लस टू कहाँ से पास की बेटा? सर, यूरो इंटरनेशनल स्कूल कनीना जी। तो नेहा ने देखिए प्लस टू पास की भाई यूरो इंटरनेशनल स्कूल से। ये नहीं है कि कोई भाई बाहर से की हो, कोई बाहर से स्पेशल इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली हो, अपना सीबीएसई के स्कूल है उनसे ये पढ़ी है। तो नेहा से पूछना चाहेंगे कि क्या उसमें सब्जेक्ट आता है, कितना उसमें सिलेबस आता है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, क्या उसमें परसेंटेज लेनी होती है, सब बातें पूछेंगे। तो नेहा, मुझे पहले क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीन। अच्छा, तो उसमें कितने नंबर का पेपर होता है भाई? 100 नंबर का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो नेहा, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि इसमें आपने कितनी मेहनत की, कितना पढ़ाना पड़ता है, क्या है? जो सीबीसी का जो प्लस टू का सिलेबस है या प्लस वन का सिलेबस है उसको छोड़ के नया सिलेबस है, या फिर क्या कहना चाहोगे आप? सर, पूरे 11 12 का जो भी सिलेबस है सारा आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ सीबीएसई का है वो आता है, सारे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो भी, और इवन एनसीईआरटी से बाहर से भी आते हैं जी। देखिए नेहा ने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कहा है कि एनसीईआरटी से बाहर का भी आता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना टिपिकल कॉन्फिडेंस कंपटीशन हुआ होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसके स्कोप क्या है, काफी बच्चों को ये नहीं पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर के क्या क्या स्कोप होते हैं, किस लाइन में जाया जाता है, क्या फायदा है इसका। तो देखिए मैं आपको बता दूं भाई, ये 4 साल का क्या है कोर्स होता है। अभी इस गुड़िया का क्या है एडमिशन हो गया, मान लीजिए बीएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है, 4 साल का कोर्स होता है। जैसे नीट का कितने होता है बेटा? 5 साल का होता है। इसका कितना होता है? 4 साल का होता है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये वीडियो उन बच्चों को बिल्कुल फाइट करेगा, उन बच्चों को बिल्कुल ये गुड अप्रोच देगा कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे और नीट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ ये उनके लिए बहुत गजब का स्कोप है। इवन मैं तो नेहा से अभी आपके सामने पूछूंगा, नेहा वैसे आपका एम क्या था बेटा, क्या सोचा था आपने? सर, मैंने तो यही सोचा था कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी ऑफिसर लाइन में साइंटिस्ट इन्हीं में काम करना है। बिल्कुल समझ गए भाई। तो जिन बच्चों ने जज्बा पहले से एम बना रखा है वो बच्चे ही सक्सेस होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इसमें स्कोप है। देखिए एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकता है भाई, और ICAR ये साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, ये साइंटिस्ट बनने का भी सपना पूरा हो सकता है इसमें। सीड टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, और उसके बाद एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, ADO, SDO, भैया ये जैसे SDO का मतलब होता है सब डिविजनल ऑफिसर, ये हरियाणा में जॉब निकलते हैं, बहुत बेहतरीन जॉब है, आराम की जॉब है, अच्छे पैसे हैं, ठीक है। और एक और भी है एग्रीकल्चर असिस्टेंट, तो भैया कम से कम 10-15 क्या है इसमें स्कोप है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो मेहनत करते हैं। ये नहीं फॉर्म भर दिया और 15,000 में से नंबर आया नहीं आपका। 15,000 में से यार कितने सीट थी बेटा? सर, सिर्फ 175 सीट है। समझ गए भाई, 175 में, आपको मैं बता दूं, गुड़िया ने नहीं बताया आपको, उन 175 में कोटा की सीट रिजर्व जो सीट होती है वो अलग से है, जिसमें आप बता सकते हो भाई स्पोर्ट कोटा आ गया, एक्स सर्विसमैन कोटा आ गया, जो यूनिवर्सिटी में जो स्टाफ होता है ना उनके बच्चों का अलग से दिया जाता है रिजर्वेशन, ठीक है। एक ओनली गर्ल चाइल्ड होता है उसका भी अलग होता है, डिसएबिलिटी वाले, मान ली किसी के भाई पैर में डिफेक्ट है, आंख में डिफेक्ट है, इनका भी अलग से कुछ डिस्काउंट किया जाता है इसमें, ठीक है।
फिर भी नेहा ने इतनी अच्छी मेहनत की है और फिर ये आया, तो ये रियल में काबिल तारीफ है। तो नेहा से मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना ही चाहूंगा लगभग कि नेहा बेटा आपने कितनी मेहनत की, कैसे पढ़ते थे, क्या किया? सर 11-12 तो स्कूल मतलब ब्यूरो स्कूल से की है, उसमें केमिस्ट्री आपने पढ़ाई है, फिजिक्स रमेश सर ने पढ़ाई है, बायोलॉजी अमित सर ने, तो टीचर्स ने भी काफी मेहनत की है। और एक बार थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, नेहा बेटा वैसे प्लस टू में आपके क्या परसेंटेज आई थी और प्लस टू का बेस जो है इस पेपर से क्या रिलेशन है, क्या कुछ कहोगे? अगर मान लीजिए जो बच्चा प्लस टू में अच्छी मेहनत करता है तो क्या लगता है कि उसका रास्ता थोड़ा ईजी हो जाएगा? हाँ सर, 12th में मेरी 93% थी और मतलब 12th के कंसेप्ट अगर क्लियर है तो पेपर करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती, मतलब जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो डेली के डेली पढ़ेंगे तो वहीं से बेस क्लियर हो जाएगा। जी जी, आजकल बेटा क्या एक ऑनलाइन का ट्रेंड चला हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो ऑनलाइन उसमें बिलीव नहीं करती, क्योंकि ऑनलाइन में टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाती और टीचर्स भी नहीं जज कर पाते कि कौन बच्चा कितना कर रहा है, और वो भी फिर हमें अच्छे से गाइड नहीं कर पाते, इसलिए ऑफलाइन ही बेस्ट है। बहुत बहुत भाई, बहुत गजब गुड़िया बता रही है आपको। और लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे गुड़िया से, जो सब बच्चों का एक सपना होता है पूछने का कि वो कैसे पढ़ी थी, उसने क्या किया, ये पूछेंगे। तो नेहा बेटा मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने कितनी मेहनत की, कैसे कैसे क्या रूटीन था, क्या पढ़ा आपने, वो एक बार मुझे प्लीज बताइए। सर 11-12 में तो जो स्कूल में पढ़ाते थे वही, उसके बाद जो 4 महीने का गैप था इसमें मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, उसमें 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी होती थी, तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, मतलब कंसेप्ट तो क्लियर हो गए, अब उनको खुद रिवाइज करना, उनके ऊपर काम करना। देखो गुड़िया ने बोला कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो फिर आप कितनी देर भी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे? आपकी जो स्कूल लाइफ है 11-12 है उसमें टीचर के साथ में बिल्कुल कनेक्ट रहिए, मन लगा के पढ़िए, ऑनलाइन वगैरह का ढकोसला छोड़ दीजिए और भाई डेली का काम डेली करिए, इसने यही बताया नेहा ने, ठीक है? और उसके बाद सारा खेल किसका है, सेल्फ स्टडी का है। मेहनत अगर अच्छी करोगे 8-8 घंटे, यार किसको कहते हो आप 8 घंटे लाइब्रेरी में, आप पूछ लीजिए इनकी जुबानी से कितने घंटे पढ़ते थे बेटा? सर 8-10 घंटे, 8-10 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ी है। तो भाई देखिए मैं यही बोलना चाहूंगा नेहा की जो आगे की जो यात्रा है वो अच्छी, इनके मतलब मैं तो कहूंगा इनका पूरा सपना पूरा ऑफिसर बनने का, साइंटिस्ट बने। बेटा अभी आपको कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसमें 175 सीट होती केवल, भाई कमाल होता है, काफी बच्चों का देखिए मैंने तो इस बार के पहला इंटरव्यू है इस लाइन में, नीट वाले बच्चे हैं और कोई बच्चे हैं आईआईटी जेईई मेंस हैं उनके कनेक्शन में तो रहता हूं, लेकिन ये इनके पेरेंट्स का मेरे पास फोन आया क्योंकि गुड़िया मेरे से पढ़ा करती 12th में, अभी रिसेंटली पास आउट हुई है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मुझे लगा घर पे जाके एक बार जरूर इंटरव्यू लिया जाए ताकि जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको भी मोटिवेशनल बातें मिले और उनको फायदा मिले। तो इसके लिए नेहा वास्तव में आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये बोलना चाहूंगा कि वीडियो को बढ़ा चढ़ा के शेयर करो ताकि और दूसरे भाई बहन है उनको भी मोटिवेशनल ये स्पीच मिले, उनको भी इनकरेज मिले और वो पढ़ें। और किसी भी बच्चे को अगर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो भैया स्कूल भी मिल लो, अदरवाइज यूट्यूब पे आप कमेंट जरूर लिखना तो मैं उसकी हेल्प 101% जरूर करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके थैंक यू, गुड।